एक समय की बात है, बाजार में एक व्यक्ति दौड़ दौड़ कर लोगों से बोल रहा था कि दो गांव बकरी खा गई, बकरी दो गांव खा गई। लोगों को पकड़ पकड़ के बोल रहा था कि बकरी दो गांव खा गई। दुकान वालों को, आते जाते लोगों को, सबको रोक रोक कर ये बता रहा था कि बकरी दो गांव खा गई। लोगों ने सोचा, ये कैसा व्यक्ति है, बोल रहा है कि बकरी दो गांव खा गई। क्या कभी बकरी भी दो गांव खा सकती है क्या? ये बात पूरे इलाके में फैल गया। धीरे धीरे उस राज्य के राजा तक भी ये बात पहुंच गई और उस व्यक्ति को पकड़ कर राजभवन में लाया गया। जब वो राजभवन में लाया गया तो राजा उससे पूछे, बात क्या है? वो उस राजभवन में भी चिल्ला चिल्ला के सारे मंत्रियों और राजा से कह रहा था कि बकरी दो गांव खा गई। कुछ ही देर में राजा उसे पहचान गए, कह रहे, ये तो वही किसान है, जब मैं 2-3 दिन पहले भ्रमण के लिए निकला था नगर में भेष बदल कर, तो ये व्यक्ति मुझे मिला था और वहाँ पे मुझे सिकंजी पिलाया था। और राजा सबसे कहने लगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा एक पेय पदार्थ बनाता है और मैंने इसके पेय पदार्थ को पिया है जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा है। और उस कहानी को बताते हुए वो लोगों को बताते हैं कि जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो ये व्यक्ति अपने खेत में किसानी कर रहा था, काम कर रहा था, और मैं उससे जाके उस राज्य की का हाल चाल और इसके बारे में पूछा कि वो कैसे काम करता है और इसके राज्य में सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये व्यक्ति बताता है कि मेरे राजा बहुत ही नेक दिल हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बड़ी ही लोगों को मानने और जानने वाले हैं, और मेरे राजा के रहमो करम से हमारे यहाँ सारा काम होता है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। ये सब कुछ जब राजा उससे पूछते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो वो किसान बोला, क्यों नहीं, और जाकर एक दो नींबू अपने पेड़ से तोड़ कर और एक पानी में मिला कर ला के दे देता है और कहता है कि लीजिए पीजिए। जब राजा, जो कि उस व्यक्ति के लिए अनजान थे और वो व्यक्ति राजा को नहीं पहचान पा रहा था, वो जब पानी पिए तो कहें कि तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा अलग इसका स्वाद है और बहुत ही ताजगी और फ्रेशनेस महसूस किया। और राजा ने कहा, ये आज तक मैंने ऐसा द्रव्य कभी पिया ही नहीं, क्या है ये? तो वो किसान बोलता है कि ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ दो नींबू को पानी में घोल कर आपको दे दिया है, ये मेरे राजा के रहमो करम का ही फल है। मेरे राजा सकारात्मक सोच रहे हैं, कोई अच्छा सोच रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि ये चीज़ आपको इतना अच्छा लगा। मन ही मन राजा सोचते हैं कि ये अच्छा व्यापार करता है, यानी कि अच्छा पैसा कमाता है, अगली बार इससे कर जो है ज़्यादा वसूलने के लिए बोलूँगा। ये राजा के अंदर ये विचार आता है और फिर वो बोलता है, बोलते हैं उस किसान को कि 1 गिलास और पानी मिलेगा। वो फिर जाता है, दो नींबू तोड़ता है और पानी में घोल कर उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा देता है। इस बार राजा को वो टेस्ट, वो मज़ा उस पानी में नहीं मिलता है। वो बोले कि इस बार मज़ा नहीं आया। तो वो व्यक्ति बोलता है कि हो सकता है मेरे राजा के मन में कुछ नकारात्मक विचार चल रहे हों, जिसके वजह से अभी ये आपको इतना अच्छा ना लगा हो। राजा को ये सारी बातें सुनकर बड़ी अलग लगती है, बड़ी आश्चर्य होता है कि राजा जब नकारात्मक सोचता है या सकारात्मक सोचता है तो उससे इस पानी का, इस काम का, इस गांव का क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी वो पानी पीता है और वहाँ से विदा लेके वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते फिर वो अपने घोड़े के पास जाके राजा और फिर लौट के आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत दूर जानी है, 1 गिलास और पानी मिलेगा? और फिर वो किसान सिकंजी बनाकर और उस राहगीर की तरह बढ़ा देते हैं और इस बार दोनों के बीच में उन्हें लगता है बहुत अच्छा, ना ही खराब, और वो पानी पीकर वहाँ से निकल जाते हैं और परिचय देते हैं उसे, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? वो किसान बोला कि नहीं, आपने बताया कि आप राहगीर हैं। बोला कि नहीं, मैं इस पूरे इलाके का महाराज हूँ, मैं ही राजा हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और उन्हें आदर देते हुए कहता है, आइए बैठिए। वो एक पत्ते पे, पीपल के पत्ते पे ये लिख कर उसे दे देते हैं,
कभी भी जब तुम शहर आना 2-4-10 दिनों में, तो मैं तुम्हें आसपास के 2 गांव देता हूँ और तुम इधर किसानी करो, यहाँ पे तुम ये गांव तुम्हारे नाम है और तुम अपने पूरी जीवन अच्छे से जी सकते हो। 2 गांव देने की वचन देके उस पीपल के पत्ते पे वो राजा वहाँ से चले जाते हैं। ये व्यक्ति उस पीपल के पत्ते को वहीं रख के और काम करने चला जाता है। उस किसान की पालतू बकरी वहाँ आती है और उस पीपल के पत्ते को खा जाती है। इस पे लिखा हुआ था कि 2 गांव राजा इस किसान को दे रहे हैं। इसी घटना को वो शहर जाके लोगों से कह रहा था कि बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। अब राजा पूरी बात को समझ जाते हैं और सब लोग बहुत हंसते हैं और उस किसान से किए हुए अपने वादे के अनुसार उसे 2 गांव लिखित रूप से दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पहले तो कभी लालच ना करें, और अगर लालच मन में आ भी जाए तो उसे समझें कि वो सही है या गलत है। दूसरे की चीज़ों पे अपना हक समझने का प्रयास ना करें, और कभी भी कोई अतिथि अगर सामने आता है, चाहे वो किसी रूप में हो, तो उसे जो बन पड़े आप उसे सहयोग और उसे सहायता जरूर करें। इस कहानी में भी राजा अनजान मन के गए हैं, अतिथि है उस किसान के लिए और उसकी वो सेवा करता है, उसे वो पानी और सिकंजी बना के पिलाते हैं। इस किसान को थोड़ा लोभ जरूर हो जाता है जब कागज़ पर लिख के दे दिया जाता है, उस पत्ते पर लिख के दे दिया जाता है कि 2 गांव इसे दे दी गई, लेकिन उसकी बकरी उस पत्ते को भी खा जाती है। तो अपनी सूझबूझ और चालाकी से फिर वो 2 गांव राजा से उसे मिल जाता है। ये है इस कहानी का सारांश।